वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। हम डिस्कशन करें स्किन के हवाले से। अगर आपका भी कोई सवाल है, हमारे पास ब्यूटिशियन भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, सवाल करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कॉल करें, डॉक्टर साहब आपका जवाब देंगे। आमिना आपकी जानिब आए, हम हर्बल फेशियल्स की हमने पहले तो डिस्कशन की, जो पोज और ये अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि आप फेशियल करवाएं, और कुछ कहते हैं कि नहीं करवाने। ये तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे ये क्यों नहीं करवाने, लेकिन जब आपके पास आते हैं तो कुछ होता है प्रॉब्लम। जैसे मैंने अभी आपसे ब्रेक में सवाल किया कि ओपन पोज क्या इनसे इलाज हो जाता है, फेशियल्स के थ्रू ये बंद हो जाते हैं, तो ये हम जानना चाहेंगे ऑनलाइन। हाँ जी, इन लार्ज पोज या ओपन पोज जो हैं, इनका एज सच हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, बड़ा शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। कोई ऐसे मास्क होते हैं पोर टाइटनिंग के, वो थोड़ी देर के लिए इफेक्टिव होते हैं, कुछ दिन हो जाएगा, लेकिन जनरली ये लॉन्ग टर्म कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो फेशियल्स के थ्रू आपके पोज को टाइट कर दे या इन लार्ज पोज को मिनिमाइज कर दे। थोड़ी देर का वक्त ही तो हमारे पास तो नहीं। अच्छा, हम सैलून पे जाने कहते हैं नहीं नहीं हो जाएगा, आप 3-4 फेशियल, लेकिन आप भी बता रही हैं कि इस तरह से नहीं, नहीं होता, तरह से सिर्फ वक्ती तौर पर फॉर द टाइमिंग होता है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है मिसेस शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मिसेस शाहिद क्या कहना चाहेंगी? जी मैं कहना चाहती कि मेरे ना चिन पे बाल थे जी, तो जिनको मैंने वो ट्रीटमेंट करवाई थी उसके बाद दोबारा से फिर आ गए। ठीक है, तो उसका कोई हल? डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाहेंगे? जी देखें जी, दो चीज़ें। पहले बात तो ये कि अगर बाल का ट्रीटमेंट इन्होंने का करवाया, किस चीज़ से करवाया? मिस्टर शाहिद आप बता सकते हैं किस चीज़ से? लेजर करवाया था मैंने। लेजर करवाया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 90% पाकिस्तान में जिनको लोग लेजर समझते हैं वो लेजर नहीं होते। अब आपको मशीन रख लें और वो एक डब्बा पड़ा हुआ, आप कहेंगे ये लेजर है, बेचारा पेशेंट तो कंज्यूमर है, उसने तो ये समझना है लेजर है। तो लेजर जब भी करवाएं डॉक्टर से नाम पूछें, जाके गूगल पे सर्च करें कि क्या ये नाम की कोई लेजर मौजूद भी है कि नहीं है। आमतौर पे लेजर की बजाय इंटेंस पल्स्ड लाइट यूज की जाती है, जो लेजर की निस्बत कोई 10 गुना सस्ती होती है। अगर लेजर की अच्छी मशीन लिटरली 1 करोड़ रुपए की आती है, तो ये वाली मशीनें 2-4-5 लाख रुपए की भी आती है। अब उसका इफेक्टिवनेस और उसकी एफिकेसी जो है वो उतनी नहीं हो सकती, ना वो उसमें उतनी सेफ्टी हो सकती है। तो आपने अक्सर जब देखा होगा कि लोग जल जाते हैं, वो IPL से बहुत ज्यादा जलने का चांस है, क्योंकि वो स्पेसिफिक टारगेट आपके बालों को नहीं कर रहा। सेकंड ये चीज है कि काले बालों के अलावा किसी और कलर के बाल एक खास लेजर से नहीं होते, दूसरी लेजर उसे इस्तेमाल करनी पड़ती है। यानी अगर कोई अच्छा डॉक्टर है जो कि लेजर का ट्रीटमेंट ही सिर्फ करना चाहता है, तो उसके पास कम से कम 2 से 3 मशीनें होनी जरूरी हैं, एक डार्क बालों के लिए, एक टैंड, ये थोड़े से आपके जो भूरे बाल हो गए, थोड़े से आपके ब्राउन स्किन टोन हो उसके लिए, और एक जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि बारीक बालों के लिए भी किसी हद तक इफेक्टिव हो। ठीक है जी, अब रह गया बात कि इनके क्यों नहीं हुए। ज़्यादातर चांस ये है कि इन्होंने IPL या इंटेंस पल्स लाइट हुआ होगा, वो चूँकि सस्ता ट्रीटमेंट है, बड़ा पेशेंट्स को अट्रैक्ट करता है कि जी फलां तो 2000 रुपये में पूरा फेस हो जाता है, तो आप 10,000 रुपये क्यों ले रहे हैं डॉक्टर साहब? वो इसलिए ले रहे होते हैं कि मशीन अच्छी होती है, बार बार नहीं करना पड़ता उस पर, और जलने का भी चांस कम होता है। अगर दोबारा बाल आ रहे हैं तो पहले ही इनके लेजर होने से पहले ही इनका अंडरलाइंग इवैल्यूएशन होनी चाहिए, बाल आ क्यों रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं, वो इवैल्यूएशन ही हुई होगी, तो इवैल्यूएशन करवाएं और फिर सचमुच किसी मुस्तनद डॉक्टर से लेजर से इलाज करवाएं रादर देन IPL से। ठीक है, हमारे नेक्स्ट कॉलर है जी यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम जी। यास्मीन क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे 2 क्वेश्चन पूछने डॉक्टर साहब से। एक ये कि अगर बाल आ चुके हैं फेस पे तो उनको मजीद ना बढ़े, उसके लिए कुछ बताए, और सेकंड ये कि वो अगर ब्लीच करवाते हैं तो वो कितना बेहतर है फेस के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया यास्मीन, अभी आपका जवाब लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ मिसेस नवीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा ये डॉक्टर साहब से मैंने 2 चीजें पूछनी है। एक तो पूछनी है ये स्किन पे जो बाल, मेरी बेटी खाती है मेडिसिन अब खा रही है, पहले वो ये लेजर लूजर का कोई हमारे फैमिली में नहीं है चक्कर कि लेजर से बालों को खराब करो, वो लू जो होते हैं कुदरती वो तो है, हम लोगों के नहीं है। 40-45 साल पहले मेडिसिन भी वो अलग होती थी, अब ज्यादा है, वो मेडिसिन खा रही जिसकी वजह से उसके हल्के हल्के बाल ना बढ़ रहे हैं। उसने मुझे कह रही मामा कॉल करके कि बाल बढ़ रहे हैं। मेडिसिन खा रही है वो? मेडिसिन वो पहले प्रेगनेंसी की खा रही है वो मेडिसिन। ठीक है, उससे पहले को ट्रीटमेंट करवाई है उसने प्रेगनेंसी की, लेकिन वो कह रही मेडिसिन से मामा मेरे बाल ना जरा थोड़े से लंबे हो रहे हैं।
ठीक है, और उससे मैंने कहा था कि वो कुदरती जो हम लोग इस्तेमाल, मेरे चेहरे पे कोई बाल नहीं है कि आटे के साथ वो बना के साफ करे, अब वो मेडिसिन इतनी ज्यादा है जो बाल तेज हो गए हैं, सख्त हो चुके हैं, ठीक है, वक्त के साथ। अब ये बस मुझे बताएं कि वो लेजर का कोई चक्कर नहीं है कि क्या वो चीज लगाए, प्लीज हल्की से वो करवाती है बस। ठीक है, डन हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी जवाब ले देते हैं, आयशा पहले आपसे सवाल कर लेंगे हम, फिर उसके बाद कॉलर्स का जवाब लेते हैं। जब हम डाइट की बात करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मल्टी वाइटमिन, अक्सर लोग डिपेंड करते हैं कि डाइट कर लें इंटेंस किस्म की और मल्टी वाइटमिन पे अपना गुजारा कर लें, रिकमेंडेड है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि जब आप इंटेंस डाइट करने के बाद नॉर्मल डाइट पे पूरी जिंदगी में कभी ना कभी तो आना है ना, जब आओगे एकदम वेट गेन होगा। इसके अलावा मल्टी वाइटमिन एक आपको सप्लीमेंट कर सकते हैं, एड कर सकते हैं, वो अल्टरनेटिव नहीं है बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट के साथ अगर मल्टी वाइटमिन यूज करो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ मल्टी वाइटमिन खाए जा रहे हो और पानी पिए जा रहे हो तो बहुत है, बहुत है, ठीक है। अच्छा आमिना, हमारी वो एक कॉलर थी, उन्होंने ब्लीच का सवाल किया कि वो फेस पर ब्लीच कर लेती हैं कभी कभी, क्या वो ठीक है करना? ब्लीच तो ठीक तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन ये है कि ब्लीच करना बहुत जरूरी सा हो गया, क्योंकि हर बंदा ऑब्वियसली वैक्सिंग नहीं करना चाहता है और लेजर भी जैसे नहीं ग्लो कराना चाहते हैं, तो फिर ब्लीच एक ऑप्शन है जो कि आप करवा सकते हैं। इसका इफेक्ट भी तो मेरे ख्याल से होता है, क्योंकि बाल गोल्डन हो जाए उसके बाद अक्सर लोगों को मैंने देखा उनके रैशेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ लोगों को सूट नहीं करती माइल्ड ब्लीच, अगर हो कुछ लोगों को सूट नहीं करती वो फिर नहीं करवाते, लेकिन ज्यादातर औरतों को। और जो हम जो सैलून में जाके पॉलिशर वगैरह करवाते हैं इसमें होता है ब्लीच थोड़ा? हाँ, इसमें थोड़ा ब्लीच होता है, पॉलिशर में थोड़ा ब्लीच होता है, बाकी हम लोग तो कोशिश करते हैं कि ज्यादातर हर्बल चीजें ही डालें और थोड़ी सी ब्लीच डाल दें ताकि बालों का जो प्रॉब्लम है उनका वो सॉल्व हो जाए और बेसिकली स्किन बेहतर हो जाए। स्किन बेहतर हो जाए, ठीक है डॉक्टर साहब। बाकी हमारे जो कॉलर हैं सारों के सवाल मैंने इकट्ठे करके, ठीक है जी, वो एक पैकेज में डील में मैं उसका जवाब का आंसर दे। देखें, एक पहली बात तो ये कि लोग ये समझते हैं कि लेजर खतरनाक है। लेजर उस पेशेंट की तो होनी ही नहीं चाहिए जिसका इलाज दवाइयों से हो जाए या जिसके मुंह पर इतने मोटे बाल ना हो, उसका तो लेजर करना वैसे ही मेरे ख्याल में गलत है, एथिकली टेक्निकली मेडिकली रॉन्ग है। सबसे पहले उसके तशखीस होनी चाहिए कि इसको हो क्यों रहा है। जिस तरह अब जो खातून थी जिनकी बेटी ने जो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है उसके लिए कुछ दवाइयां दी गई हैं जिससे उनके बाल मोटे हो रहे हैं। अब इस बच्ची के जो ही वो प्रेग्नेंट इंशाल्लाह होंगी और वो दवाइयां छूटेंगी तो ज्यादा चांस है कि उनके बाल भी नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। उन दिनों के लिए जब वो प्रेग्नेंट हो रही हैं उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है, वो वैक्स करवा सकती हैं, आमना के पास जाके कुछ ऐसा कर सकती हैं जो कि वक्ती तौर पर उनका काम ठीक हो जाए। एक और चीज जो मेरे शायद वो डर्मेटोलॉजिस्ट भाई तो वो बुरा मनाएं, लेकिन जो हमारे अच्छे जो क्वालिफाइड पार्लर्स वाले हैं वो शायद उनको अच्छी बात लगे, लेकिन वो हकीकत ये है कि यूजुअली वैक्स मैं कभी भी मना नहीं करता लोगों को। वैक्स जो है आमतौर पर मुंह पे इसलिए मना करते हैं कि अगर वो कहीं वहां पे इन्फेक्शन ना हो जाए या बहुत ज्यादा जोर से ना, अगर आप बाकी बॉडी पे वैक्स करवाते हैं तो बाई ऑल मीन्स वो एक डेपिलेटरी मेथड है, लेकिन वो स्टरल होना चाहिए, साफ सुथरी जगह पे होना चाहिए, क्वालिफाइड लोगों से होना चाहिए। लेकिन अगर ये फर्ज करें बहुत ज्यादा डरती हैं तो वैक्स करवा सकती हैं चेहरे पे भी, आई डोंट थिंक कि वो कोई खुदा ना खासा ममनू है, लेकिन अगर ये मुस्तकिल इलाज करना चाहते हैं कोई भी तो फिर वो जब प्रेगनेंसी के बाद आराम से अगर बाल नहीं जाते तो इवेल्युएशन करके कि क्यों अभी तक बाल नहीं जा रहे, फिर लेजर की जा सकती है। और अगर फर्ज करें लेजर भी नहीं करना चाहते वैक्स भी नहीं करना चाहते तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी दवाइयां भी हैं जिससे ये सारा जो कि हम करीमों की सूरत में भी दे सकते हैं, ठीक है, जब तक आप वो लगाते रहेंगे बाल नहीं उगेंगे, चूंकि वो बालों के बनने को वक्ती तौर पर रोक देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। हमारे साथ कॉलर है जी नरगिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नरगिस, क्या कहना चाहेंगी? मैंने भी ये टीवी अभी अभी ऑन किया तो मैं ये देख रही थी, ये मेरे भी थोड़ी से बाल हैं बहुत मोटे मोटे। ठीक है, तो आप तो आपको आपने कोई क्रीम्स या किस तरह का इस्तेमाल तो नहीं किया? किस चीज का? किसी क्रीम वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं किया? क्रीम तो की है इस्तेमाल। इस्तेमाल की है, किस चीज के लिए की है? बाल कम करने के लिए? नहीं नहीं, वो जो रंग गोरा करने वाली होती है वो की है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बाल कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग नरगिस। नेक्स्ट कॉलर है नजमा, अस्सलाम वालेकुम नजमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नजमा, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम शुरू किया है, थैंक यू। क्या पूछना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगता है, मेरे फेस पे फ्रैकल है, मेरी फर्स्ट बेबी की दफा पड़ी थी मुझे, मेरी माशाल्लाह अब 3 बेबी हैं, लेकिन मैंने बहुत से ट्रीटमेंट डॉक्टर से भी करवाए हैं और वैसे भी क्रीम में कोई भी बताता मैं यूज करती हूँ, लेकिन मेरे फेस पे फ्रैकल नहीं जा रही, आप प्लीज मुझे इसका कुछ हल बताएं। ठीक है, आपकी एज क्या है नजमा?
मेरी 34 है. 34. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग नजमा. और अक्सर हमारी जो पहली कॉलर थी जो मैंने इनसे गुलवाना चाहा था उन्होंने गुल दिया कि मैंने रंग गोरा करने वाली क्रीम इस्तेमाल की है तो मेरे बाल आ गए. देखें उनका रंग तो गोरा हो गया ना. लेकिन अब जो बाद में देखें ये मजाक के अलावा ये बात है कि जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें लोग इस्तेमाल खुद टोटके से करते हैं उसमें एक क्रीम स्टीरॉयड की होती है शामिल. मेरे तमाम पेशेंट जो आज तक मैंने देखे हैं जिनमें के रंग आते हैं तो स्टीरॉयड का एक साइड इफेक्ट ये है, साइड इफेक्ट है उसका स्टीरॉयड का, जहां पे आप स्टीरॉयड ज्यादा जगह दफा लगाएंगे वहां पे मेलानोसाइट या वो खलिये जो रंग बनाते हैं वो रंग बनाना कम कर देंगे. वहां पे जल्द इतनी बारीक हो जाएगी कि आपकी रगें नजर आनी शुरू हो जाएंगी. यानी आपने देखा होगा लोग बहुत फेस उनका बहुत सुर्ख होता है, एबनॉर्मल हद तक सुर्ख होता है और अंदर आपको अगर आप गौर से देखें तो बारीक बारीक रगें भी नजर आ रही होती हैं. वो उसको हम स्किन की एट्रोफी बोलते हैं कि स्किन बारीक होगी. इतनी बारीक हो जाती है कभी कभी अगर थोड़ा सा भी धचका लगे, थोड़ा सा जोर से ट्रॉमा हो, कुछ भी चीज लगे वहां पे नील पड़ जाता है. तो ये तमाम और इसके बाद बालों का उगना भी छोटे छोटे जिसको कह रही थी ना रुएं रुएं की तरह बाल हैं वो एक टिपिकल एक सिनेरियो है एबनॉर्मल कि अगर आपने दवाई गलत लगा दी तो उसके लिए था. दूसरी जो कॉलर थी वो कह रही थी फ्रैकल्स का मेरे ख्याल में अब जो थी. तो पहले आपके कॉलर की ये रिकमेंडेशन है कि रंग गोरा करने वाली क्रीमें मत लगाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं. रंग गोरा करने के लिए बहुत सारी सेफ दवाइयां भी मौजूद हैं, अच्छे दवाइयां मौजूद हैं, माइकोडर्म कर सकते हैं. काफी दफा लोग समझते हैं हमारा रंग काला हो गया जबकि पूरे जिल्द पे दाने निकले हुए. अगर दाने निकले हुए हैं तो दानों के इलाज करेंगे रंग एक तरह का हो जाएगा. उसके बाद ये कि अगर फर्ज करें वो कहते हैं कि जी माइक्रोडर्माब्रेशन हम रिकमेंड करते हैं जो कि मेडिकल फेशियल होता है वो उन लोगों के लिए हम रिकमेंड करते हैं. अगर आम फेशियल फर्ज करें उस पर काम नहीं किया, बहुत सारे हमारे पास जो ब्यूटेशन रेफर कर रहे होते हैं कि जी इस तक तो हमने कर दिया अब इसके बाद कोई मदद तो वो माइक्रोडर्म कर सकते हैं तो वो किए जा सकते हैं. लेजर्स कुछ ऐसी हैं जिससे रंग भी सफेद हो जाता है थोड़ा, और जिस तरह ECO2 लेजर है, फ्रैक्शनल CO2 लेजर है, क्योंकि उससे वो जिल्द के कुछ हिस्से हम निकाल देते हैं जहाँ पे नॉर्मल कलर है समझ लें, और उसमें जिल्द की टाइटनिंग से भी जिल्द को काफी दफा अगर झुरियां पड़ी हो ना बहुत सारी तो रंग दिखाई देता है कि डल है. वो झुरियां जब ठीक होती हैं थोड़ी सी तो टाइटनिंग पे हो जाता है. दूसरी पेशेंट का क्वेश्चन ये था आपके कि फ्रैकल्स का क्या किया जा सकता है. जो जो प्रेगनेंसी के बाद जो फ्रैकल्स होते हैं वो हार्मोनल हैं शुरू में होते, लेकिन काफी दफा वो धूप की वजह से, जिस तरह अभी कहा इन्होंने भी कि आप सनब्लॉक जरूर लगाएं, दवाइयां आजकल इतनी सारी आ गई हैं कि वो फ्रैकल्स जो हैं उससे बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं. ठीक है, चलें जनाब ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, उसमें हम और भी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे. मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए जागो लाहौर.